चलिए आज हम बताएंगे कि फ्रिज की वायरिंग किस प्रकार से किया जाता है। बहुत ही आसान तरीका होता है फ्रिज का वायरिंग करने का। बस आपको सारे पार्ट समझ में आने चाहिए कि सबसे पहले सप्लाई कहां पर जाती है और कौन से पार्ट से होकर के हमारा कंप्रेसर के अंदर जाती है। ठीक है, यहां पर हमारा फ्रिज के अंदर संपूर्ण पार्ट लगे हैं जो कि आपको किसके अंदर जाता है, जिसके अंदर वायरिंग किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, थर्मोस्टेट है। ये क्या है, डोर ट्यूब। ये क्या है, बल्ब। और ये क्या है, रिले। ये क्या है, ओएलपी। और ये हमारा क्या है, कंप्रेसर है। ठीक है ना, तो हमने कुछ डायग्राम बनाया था, डायग्राम के अंदर कुछ वायर भी हमने बताया था कि वायर लगते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास क्या होना चाहिए, वायर होना चाहिए। और एक चीज और हमने आपको बताया था कि फ्रिज के अंदर जुगाड़ वाला काम नहीं चलता है, बिल्कुल क्या होना चाहिए, थिम्बल होना चाहिए। तो आपके पास देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर ज्वाइंट करने के लिए क्या रख दिया है, थिम्बल रख दिया। ये हमारे पास सारे क्या है, थिम्बल है। इन्हीं को लेकर के हमें क्या किया जाता है, ज्वाइंट किया जाता है। यहाँ पर देखें तारों के अंदर हमने थिम्बल क्या कर दिया है, लगा दिया है। ठीक है, तो हम कोई वीडियो में बता दें कि आपको थिम्बल किस प्रकार से लगाया जाता है। तो इस प्रकार से डब्बा आएगा, वहां पर आप थिम्बल को क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। अब हमें करना है वायरिंग। तो हमने डायग्राम के अंदर आपको बताया था कि सबसे पहले जो मेन फेस होता है कहाँ पहुंचता है, थर्मोइस्टेट। तो मान लेते हैं आपकी मेन लीड है, ये क्या है, मेन लीड जो नीचे से जा रही है, कहां से, नीचे से जा रही है। तो सबसे पहले जो इसका मेन फेस होगा, सबसे पहले क्या होगा, मेन फेस होगा, कहां जाएगा, थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट के किसी एक पॉइंट पे ले जाकर क्या कर देंगे, इन कर देंगे। चाहे आप यहां जोड़िए चाहे यहां जोड़िए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। किसी भी एक पॉइंट पे ले जाकर हमें क्या करना है, इन कर देना है। और थर्मोस्टेट के जिस पॉइंट पे हम इन करेंगे उसी से आउट करके किसको देते हैं, डोर स्विच। किसको दिया जाता है, डोर स्विच। देखिए यहां पर भी थिम्बल लगा है, आसानी से हमने क्या कर दिया, लगा दे। थर्मोस्टेट पे गया, थर्मोस्टेट से इन होकर कहां गया, डोर स्विच पे। अब डोर स्विच से कहां जाएगा, बल्ब के पास। अब डोर स्विच से आउट होकर के एक और थिम्बल वाला तार लेंगे जिसमें दोनों तरफ क्या लगे होंगे, थिम्बल लगे होंगे। इसको डोर स्विच के दूसरे पॉइंट पे ऐसे लगा देंगे और लगाने के बाद फिर कहां लगा देंगे, बल्ब में गया। ठीक है ना, यानी देखिए फेस हमारा सर्वप्रथम कहां गया, थर्मोस्टेट पे। थर्मोस्टेट से आउट होकर के डोर स्विच पे और डोर स्विच से आउट होकर के बल्ब में गया। ठीक है ना, इसके बाद हमने आपको बताया था कि यहां से आपका फेस क्या होगा, आउट होगा। अभी किसकी बात हो रही है, सिर्फ फेस की बात हो रही है। अब यहां से हमारा फेस दूसरे पॉइंट से थर्मोस्टेट से आउट होगा और कहां जाएगा, कंप्रेसर के अंदर जाएगा। देखिए ये जो रेड कलर का तार है ना, अब किसके अंदर जाएगा, कंप्रेसर। कंप्रेसर के अंदर लगेगा रिले और ओएलपी। तो सबसे पहले यहां पर देखें जो टर्मिनल होते हैं ना, टर्मिनल का जो नीचे वाला पॉइंट होता है उसके अंदर क्या लगेगी, ओएलपी लगेगा। कैसे से देखिए ध्यान से, इस प्रकार से हम देख क्या करेंगे, ऐसे नीचे वाले एक जो सिंगल पीएलपी में भी क्या होता है, पिन होता है, इसके अंदर ले जाकर के ऐसे हमें लगा देना होगा। इसके अंदर वो एलपी लग चुकी, अब हमें क्या लगाना होगा, रिले। अब रिले में कितने छिद्र, दो छिद्र। इन दोनों छिद्रों को यदि आप ऐसे लगाएंगे तो ये ऊपर चले जा रहे हैं ना, तो हमें क्या करना होगा, नीचे करना होगा। नीचे करेंगे तो ये दोनों पॉइंट इसके दोनों पॉइंटों में क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे। और इस प्रकार से देखिए इसके अंदर रिले क्या हो जाएगा, लग जाएगा। रिले क्या हो गया, लग गया। अब देखिए, अब कंप्रेसर के अंदर वो एलपी और रिले दोनों क्या है, लग गए। अब थर्मोस्टेट से फेस क्या होगा, आउट होगा। देखिए ये जो तार है थर्मोस्टेट का आउटपुट है, जो सिंगल तार है थर्मोस्टेट का क्या है, आउटपुट है। ये कहां जाएगा, के रिले में। हमने देखिए ले जाकर के दे दिया, फेस पहुंच गया। देखिए मेन फेस यहां से निकला, देखिए ध्यान से, पहले मेन फेस यहां से निकला कहां गया, थर्मोस्टेट में। थर्मोस्टेट से आउट होकर के कहां गया, डोर स्विच। डोर स्विच से आउट होकर के कहां गया, बल्ब के अंदर गया। और इसके बाद यहां से रेड कलर का फेस आउट हुआ, थर्मोस्टेट से क्या हुआ, आउट हुआ। और इस प्रकार से कहां चला गया, कंप्रेसर के रिले वाले पॉइंट में पहुंच गया। अब देखिए जिनको जिनको फेस की आवश्यकता थी फ्रिज के अंदर, फेस क्या हो चुका है, मिल चुका है। अब क्या चाहिए, न्यूट्रल चाहिए। ठीक है ना, अब देखिए न्यूट्रल के लिए हमने कुछ यहाँ पर ऐसा बना लिया है, न्यूट्रल के लिए कुछ थिम्बल क्या कर दिया है, बना लिया है। अब सर्वप्रथम न्यूट्रल किसको चाहिए, बल्ब को चाहिए ना। देखिए अब यहां से हमें न्यूट्रल यहां पर हमने दे दिया, न्यूट्रल हमने यहां पर क्या कर दिया, दे दिया। अब यहां से हमारा न्यूट्रल क्या होगा, आउट होगा। अब यहां से न्यूट्रल आउट होगा और कहां चला जाएगा, कंप्रेसर के ओएलपी में। देखिए ऐसे हमने वो एलपी में क्या दे दिया, न्यूट्रल। अब देखिए ये जो मेन न्यूट्रल है, ये जो मेन फेस का क्या है, न्यूट्रल है। सर्वप्रथम कहां गया, बल्ब में। बल्ब से कहां गया, ओएलपी में। आप चाहें तो इस चीज को देखिए, आप चाहें तो इस चीज को निकाल करके आप कहां लगा सकते हैं, कहां लगा सकते हैं, सर्वप्रथम ओएलपी में, यानी कंप्रेसर के ओएलपी में। और ओएलपी में जो छोटा सा सिंबल लगा है उसको फिर कहां दे देंगे, बल्ब के अंदर दे देंगे। कोई दिक्कत,
देख रहे हैं ना, कोई दिक्कत होगा नहीं होगा। अब देखिए, अब इसकी वायरिंग अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ई मेन क्या है, ये मेन क्या है, न्यूट्रल है, जो किस में जा रहा है, ओएलपी में यानी कंप्रेसर में, और कंप्रेसर से फिर कहां जा रहा है, बल्ब में जा रहा है, ठीक है ना। न्यूट्रल का कहानी खत्म, क्योंकि दो ही उपकरण है, कितने उपकरण है, दो उपकरण है। और इसके बाद देखिए, ये आपका ये क्या है, मेन फेस है, मेन फेस कहां गया, थर्मोस्टेट में, थर्मोस्टेट से आउट होकर डोर स्विच पे, डोर स्विच से बल्ब के अंदर गया, और रेड कलर से फेस हमारा आउट होकर के कहां पहुंच गया, रिले में यानी कंप्रेसर के अंदर पहुंच गया। चालू करेंगे तुरंत आपका ये क्या करेगा, जलेगा, और कंप्रेसर चालू होगा, चलने लगा, कंप्रेसर चलने लगा, इसमें आप देखेंगे यहाँ से आवाज भी आ रही है, आवाज आ रही है यानी कंप्रेसर आपका बेहतरीन तरीके से क्या हो रहा है, चल रहा है, इसके अंदर थोड़ा सा कचरे वगैरह भी हमारे आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, देखते हैं यहाँ से इसको दरवाजे को यानी फ्रिज के दरवाजे को क्या करेंगे, बंद करेंगे, इसके बाद तुरंत बल्ब क्या हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। देखिए अब यहाँ से हम दरवाजे बंद कर रहे हैं, मान लेते हैं बल्ब क्या हो गया, बंद हो गया, फिर से क्या हो गया, ऑन हो गया, फिर से क्या हो गया, बंद हो गया, फिर से चालू। अभी जब जब आप फ्रिज के दरवाजे को क्या करेंगे, बंद करेंगे, तब तक ये नोब क्या करेगी, दबेगी और बल्ब क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। फिर दरवाजे को आप क्या करेंगे, खोलेंगे, ये नोब कहाँ आएगी, ऊपर आ जाएंगी, बल्ब क्या हो जाएगा, चलने लगा, ठीक है। अब ये आपका क्या है, थर्मोस्टेट है। यदि थर्मोस्टेट को आप बंद करके रखते हैं यानी बंद कर देंगे, तो आपका बल्ब पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो मेन फेस आप देख रहे हैं, ये जो मेन फेस डायरेक्ट पहुंच रहा है ना। अब देखिए, अब यहाँ से हम इसको बंद कर देते हैं, कंप्रेसर क्या हो गया, अब इसके अंदर कुछ आवाज आ रही है, देखिए हम दबा रहे, कुछ भी प्रेशर नहीं मिल रहा है, तो क्योंकि यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो मेन फेस जा रहा है थर्मोस्टेट के पॉइंट से इन होकर के कहा गया, डोर स्विच पे, और डोर स्विच से आउट होकर के बल्ब पे गया, और इसके बाद ये न्यूट्रल डायरेक्ट इसको क्या कर रहा है, पहुंच रहा है, ठीक है। तो यदि इससे रिलेटेड कुछ समस्या होगा तो आपके बल्ब में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये हमें बताता है कि हाँ, यहाँ तक सप्लाई आ रही है, लेकिन आगे सप्लाई जा नहीं रही, ठीक है। चेक करेंगे, थर्मोस्टेट करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या समस्या है, समझ रहे ना, फ्रिज की वायरिंग बड़ी आसानी से कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा काम नहीं होता है, समझ में आ गया, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हमने बता दिया है कि फ्रिज के अंदर जो वायरिंग होती है ना, उसके अंदर पाँच पाँच किस होती है, जिस प्रकार से हमने समझाया था उसी प्रकार से हमने क्या कर दिया, प्रैक्टिकल भी करके आप लोगों से बता दिया, ठीक है। तो सभी लोग एक एक करके क्या करेंगे, इसकी वायरिंग करेंगे, ठीक है। और इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।